अगर आप भी वीडियो गेम्स खेलने में अपना ज्यादा समय बिताते हैं तो सावधान हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा गौर, आप सभी का स्वागत है द नगरी न्यूज में। वीडियो गेम्स खेलना दुनिया में अब नॉर्मल सा है और कुछ लोगों को तो इससे जुनूनी तौर का लगाव भी है। आप लोगों ने भी बहुत से मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर गेम्स खेले होंगे और उस गेम की लत से पीछा छुड़ाना बेहद ही मुश्किल भी होगा। दुनिया में कुछ ऐसे गेम्स हैं जो बेहद ही खतरनाक साबित हुए हैं और उसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले एक ब्लू व्हेल गेम आया था जिसमें रियलिस्टिक टास्क कंप्लीट करने होते थे और लोग भी टास्क कंप्लीट करने में इतना एडिक्टिव हो गए थे कि उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती थी और इसी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी और फिर सरकार को ये गेम बैन करना पड़ा था। और अभी भी कई ऐसे गेम हैं जिससे लोग पागलों की तरह पूरा समय उसमें ही बिता देते हैं। पबजी गेम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, लोग इससे इतना ज्यादा एडिक्ट हैं कि वो अपने परिवार के साथ बैठना, बात करना, टाइम से खाना खाना सब कुछ भूल से गए हैं। गेमिंग की दुनिया इतनी बड़ी है कि आजकल लोगों का जैसे तो पैशन ही बन गया हो गेम खेलना। जिस कदर से लोग अपने आप को गेमिंग की दुनिया में ढाल लेते हैं फिर उसमें से निकलना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। गेमिंग में लोग अपना इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में भी भूल जाते हैं। प्रोफेसर जिंगबार्डो का मानना है कि गेमिंग से लोगों के ऊपर सामाजिक और मानसिक असर पड़ रहा है। इससे आप कुछ नया भी नहीं सीखते, अपने परिवार वालों के साथ भी समय नहीं बिताते और न ही पढ़ते लिखते हैं। इससे आप बस वीडियो गेम के खिलाड़ी बनकर रह जाएंगे और अशिक्षित भी रह जाएंगे। गेम अपनी ही दुनिया में लोगों को ले जाता है और उनके सोचने की क्षमता को भी खत्म कर देता है। गेम आपको कभी भी अच्छा आदमी बनाने में मदद नहीं करता है। आजकल केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी गेमिंग में अपना समय बिताती हैं। लोगों को गेमिंग की नई टेक्नोलॉजी तो पसंद आ रही है लेकिन स्कूल की पढ़ाई बोरिंग लगती है। ऐसे में आधे से ज्यादा युवा लोग अशिक्षित होते जा रहे हैं और ऐसे में उनको नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाता है। पहले तो बस बच्चे ही गेम खेलते थे, अब जो समय है उसमें युवा भी गेमिंग का शिकार हो रहे हैं। अमेरिका के एक प्रोफेसर एरिक हर्स्ट ने वीडियो गेम्स खेलने से पड़ने वाले प्रभाव पर लंबे समय तक एक शोध किया है। इसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इसके तहत 20 साल की उम्र के आसपास के करीब एक चौथाई युवा बेरोजगार हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। हमारी माने तो गेम खेलना चाहिए लेकिन उसके लिए भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए। ज्यादा गेमिंग न सिर्फ करियर खराब कर सकती है बल्कि मानसिकता पर भी बुरा प्रभाव डालती है और ऐसे में आप औरों से भी पीछे हो जाते हैं। इससे आपके फ्यूचर में बेरोजगार रहने की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और ऐसी अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।